बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार अब डराने लगी है और बीते 24 घंटे में 3162 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, 4061 हो गया है। दुर्ग की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मामले दुर्ग से निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1128 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटे में 796 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि राजनांदगांव में 222 नए केस, बेमित्रा में 124, बिलासपुर में 137 नए मामले सामने आए। वहीं रायपुर में रोड सेफ्टी टूर्नामेंट सीरीज खेलकर लौटे भारत रत्न और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ यूसुफ पठान भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर चूक कहां हो रही है। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि उसकी ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है, बावजूद इसके कोरोना के तेज रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी अब आगे बढ़ती है, जिन्हें कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, जिससे कोरोना को और तेजी से बढ़ने से रोका जा सके। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से घर में रहकर होली मनाने की अपील की है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से यहां पे अपील की है कि होली को सार्वजनिक तौर पर न मनाएं और घर पर ही होली मनाई जाए, ताकि कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। आज कोरोना काल में हम लोगों को सुरक्षा के साथ होली खेलना चाहिए। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ जो टीका का लगाना है वो कर लीजिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से ना करें, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इससे जान है तो जान है। हम सब रहेंगे तो अगली होली भी खेलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है उससे थोड़ा सा बचाव इससे करें।